में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अभी बारिश के टाइम में देख सकते हैं आप कितना कीचड़ हो रहा है भाई यहाँ से, और हिल बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये लगा दी भाई, दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। रक्षाबंधन की राखी भी आ गई है यहाँ पे। अच्छा भाई राखी वाखी आ गए सब ये। पहले बच्चों को निपटाते हैं, बच्चों को भेजते हैं पहले, उसके बाद और लेंगे सामान। गाड़ी भी आ गई भैया, इसी गाड़ी में जाता है हमारे यहाँ से माल। और यहाँ पे देखिए ये है चौधरी की जी जान से बहुत बहुत बधाई देता। तो चिकन विकन का काम शुरू कर रहे हैं अपने गगन भाई यहाँ पे। और ये कब लाया तो इसको हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है, बाकी यार आज दिन की शुरुआत हो रही है भाई शाम के 4 बजे। तो ये ना दोस्तों खरगोश की वैरायटी होती है भैया, ये देखिए जिसको सांझ बोलते हैं भाई जंगली, यहाँ पे कैसे सोया हुआ है चुपचाप भाई, हिल भी नहीं रहा है वो यहाँ पर से। अभी आँखें इधर को घुमा रखी हैं उसने, देख रहा है लेकिन मतलब भाग नहीं रहा वहाँ से दोस्तों। और ये साइज में भी बहुत बड़ा है भैया, इतने मतलब ये देखिए खेत हैं और इतने मतलब हरे घास के बीच में मतलब यहाँ पे सोया हुआ है ये। ये देखिए सामने आँख टपटपोना, ओ जून छो जून बिल्कुल नहलाना जानो। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ भैया उसके नज़दीक, तो इतने घासों के बीच में भैया ये सो रखा है और हिल बिल्कुल भी नहीं रहा है। ये लगा दी भाई, दौड़ लगा दी, दौड़ लगा दी। वो देखिए सामने से पता है दौड़ लगा महिला उस तक बड़ी हलान ना हो। छिलपोड़ी की मामी आ रखी थी और मैं था भाई ऊपर यहाँ पे चिड़िया वगैरह देखने के लिए आया था मोटर में। मामी यहाँ पे घास बनाने के लिए आ रखी है और मामी ने मेरे को आवाज़ लगाई भाई यहाँ पे सांस आ रखा है करके। मैं वहाँ से भागते हुए आया, वो भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे मामी मतलब घास काटती है उनके मुँह के सामने यहाँ पे सो रखा है और तब तक नहीं गया भैया वो, कितना हल्ला किया मतलब हमने फिर भी गया नहीं। मामी ने अभी उधर से मतलब भाई एक मिट्टी का ढेर भी उधर को फेंका, मामी ने सोचा जिंदा है नहीं है करके। बट देखिए जब मैं नज़दीक आया तब जाके कैसी दौड़ लगाई उसने। तो भाई दोस्तों मैं यहाँ पे भी रोज़ की तरह मज़ा देखने के लिए आया हुआ था, मामी नीचे घास वास वगैरह काट रही थी तो मामी की नज़र पे पड़ा होगा वो। मामी ने मेरे को आवाज़ लगाई कि यहाँ पे सांसा रखा करके, पहले तो मैंने सोचा भाग जाएगा वहाँ जाने तक, बट वहाँ गया आपने देखा भाई भाई साहब इतने में तो मतलब ये भाग जाते हैं बिल्कुल, बहुत ही मतलब डरते हैं एकदम दौड़ लगा देते हैं। बट वो ऐसे सोया था ना भाई खेत में, अभी इस साइड को भाग करके आ गया आपने देखा भाई, पता नहीं कहाँ चला गया नीचे बगीचे साइड को, या तो कहीं पर दुबक के बैठ गया हो या लगा दी दौड़ उसने कहीं को मतलब। दोस्तों यार तो अभी भाई फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ चौरिया में। तो दोस्तों हमारी जैसे कि आपको पता है ना मटर ख़त्म हो गई थी, तो मटर मंगा रखी थी पप्पू दा को, बाकी वो लेकर के आ गए। मैंने कल घर से कॉल कर दी थी भाई उनको, भीमताल से आ गए हूँ और मैं बैग लेकर के आ गया हूँ, 4-5 किलो मटर मंगा रखी थी तो वो लेने के लिए जा रहा हूँ। पहले चलता हूँ यहाँ से सीधे ठंडा की दुकान में, वहाँ से सामान उठाता हूँ, चीनी चाय पत्ती वगैरह भी है, और वहाँ से सामान लेके चौरिया में चलता हूँ, वहाँ से मटर उठाता हूँ और फिर चलता हूँ भैया सीधे घर को। तो अभी मैं दुकान में पहुँच गया हूँ भैया, और ये हैं हर्षित भाई अपने, बढ़िया हर्षित भाई, चीनी अपनी रख दी भैया यहाँ पे 2 किलो, और बच्चे आ रखे हैं कहाँ से हो रहे हैं पोखरा के एंड बाहर पे यहाँ पे आ रखे हैं बाबा जी भाई, ये बाबा जी को समझा रहे वहाँ पे नॉलेज दे रहे भाई नॉलेज को। रक्षाबंधन आ गया तो दोस्तों देखिए भाई रक्षाबंधन की राखी भी आ गई है यहाँ पे। हर्षित भाई राखी वाखी आ गए सब, ये रक्षाबंधन आ गया भैया, राखी ले जानी राखी ले जाओ, राखी आ गई है हर्षित भाई की दुकान में। बाकी पहले बच्चों को निपटाते हैं, बच्चों को भेजते हैं पहले उसके बाद और लेंगे सामान। ए बिस्किट दूध दूध बिस्किट खाएगा। तो मैं आया हुआ था दुकान पे, यहाँ पे बाबा जी मिल गया, बाबा जी बाहर से बता नहीं नॉलेज दे रहे हैं भाई, कुछ नॉलेज दे रहे हैं वहाँ पे। हर्षित भाई कहाँ से हैं बाबा जी? प्लेन से बाहर से आ रखे क्या? तो आ कहाँ पे रखे हैं ये यहाँ तो नहीं आ रखे, पोखराड़ शिवालय में। सामान लेके तो आ गया हूँ, चीनी उनी वगैरह बैग में, बैग लेके आया था, बाकी चौरिया में जा रहा हूँ और पप्पू दा का आने का भी टाइम हो गया है। और गाड़ी तो आ गई भाई, जो बड़ी गाड़ी जिसमें माल जाता है ट्रक। क्या रोड देखिए यार हमारी, ये गाँव की रोड तो भाई ऐसी ख़राब ना, अभी बारिश के टाइम में देख सकते हैं आप कितना कीचड़ हो रहा है भाई यहाँ से, फिसलन भी उतनी ज़्यादा हो रही है। और देखिए बिल्कुल पानी पानी भर जाता है ना पूरा अभी, क्योंकि मिट्टी कच्ची रोड है ना दोस्तों, इस वजह से देखिए कितने गड्ढे हो गए हैं और कितने ज़्यादा पानी भर गया है भाई इनमें।
देखिए दोस्तों चौराहे के बगल में ना यहाँ पे भाई पानी का स्रोत भी है धारा, और ये पता नहीं देखिए आपको ये कोई भी पेड़ भी नहीं दिखाई देता होगा ऊपर से भाई, बिल्कुल अंदर मिट्टी के अंदर से रिस करके आता है पूरा पानी और हर हमेशा चले रहता है यार ये। और यहाँ पे देखिए आजकल कुछ नई चीज़ रोटो में भैया, तो ये है भाई कूड़ादान इस टाइप का, इनमें प्लास्टिक के अलग, बोतल के अलग और अन्य चीज़ के अलग। तो अभी देखिए दोस्तों गाड़ी भी आ गई भैया, इसी गाड़ी में जाता है हमारे यहाँ से माल। और यहाँ पे देखिए यह है चौरिया, यहाँ से भैया गोभी वोभी वगैरह जाती है और इसी गाड़ी में जाती है अक्सर इधर से। ये ऊपर पोखरा छाई से लेकर के आ गई है अभी। यहाँ पे मिल गया हमने गगन भाई, यार देखिए दोस्तों गगन भाई भी अपने गांव से हैं एंड गगन भाई भाई अपना न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं बताओ यार तुम ही बता दो, मुर्गी वर्गी का ना, तो चिकन विकन का काम शुरू कर रहे हैं अपने गगन भाई यहाँ पे। और ये कब लाया, तो इसको आज लेके आइए, इसको लगाएगा कब, दो तीन दिन से कहाँ पे लगा, कहाँ पे रहा। अच्छा ये रेता का उठा करके ना ये। तो दोस्तों भाई चौरिया में भी अभी देखिए एक चिकन वो बनने वाली है शॉप गगन भाई की, एंड यहाँ पे रेता है तो अभी रेता हटा करके यहाँ पे लगाएगा। आज है डेट 23 अगस्त 2023, तो आज वो दिन आ चुका है यार जब भाई भारत से लॉन्च हुआ चंद्रयान फाइनली लैंड करने वाला है चांद। जैसे कि आप सभी को पता है ना 14 जुलाई 2023 को भैया भारत से भाई एक चंद्रयान लॉन्च हुआ था, जो कि चांद पे जाने पे लगभग उसको आज लगा लो करीबन 40-45 दिन के बाद आज वो 23 अगस्त 2023 को, तो जिस चंद्रयान पे भैया मतलब पूरी दुनिया की मतलब नजर टिकी हुई है। चलिए देखते हैं हम लोग साथ में, आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है। फर्स्ट ब्रेकिंग खबर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज है इस पावर डिसेंट का वो शुरू हो गया है, इसरो ने इस बात की जानकारी दे दी है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है। ये रफ ब्रेकिंग फेज की जो अपन अभी तक देख रहे थे, जो बाकी देख रहे थे वो सब हटाओ, ये है असली जो चल रहा है। तो ये देखिए जो डॉट फॉलो कर रहा है, यानी हम एग्जैक्ट जो कैलकुलेटेड है बढ़ रहा है उसको परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें, वो मैंने बताया था ना 8 छोटे थ्रस्टर्स जो लगे हुए हैं, वो देखिए ये वो फायरिंग है, क्योंकि जब ये आगे जब बढ़ रहा है तो ग्रेविटी इज गोइंग टू प्ले विद इट, तो उसको बैलेंस रखना है। नॉमिनल की बात हो रही है सौरभ, तो ये बताया जा रहा है कि जो गति है उसकी लगातार उसको कम किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस एल्टीट्यूड बता रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी बता रहे हैं, 0 से 16 पहुंच गई है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब 1200 ये कम होती जा रही है। देखिए अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट टू हियर from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। सर I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं
राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। मैं तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो दोस्तों यार भाई ये बताते हुए मतलब यार आप सभी लोगों ने बताना क्या है, आप सभी लोगों ने भाई देख ही लिया होगा कि इतनी भाई इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी ना। फाइनली दोस्तों यार चंद्रयान 3 भाई चांद पे लैंड कर ही गया है यार, और ये भाई पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी सफलता है भाई, बहुत बड़ा मतलब इतिहास रच चुका है भारत यार, सफलतापूर्वक चंद्रयान लैंड कर चुका है। और बाकी काफ़ी खुशी हो रही है यार पूरे हिंदुस्तान में भाई, इस वक्त काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। मेरी तरफ से यार सभी को भाई पूरे देशवासियों को सभी को यार दोस्तों बधाई हो भाई, इतनी बड़ी भाई सफलता हासिल करके हिंदुस्तान ने। तो जितने भी भाई इस मिशन के पीछे यार 4-5 साल से जितने भी वैज्ञानिक लोग लगे हुए थे, उनका जो भाई मिशन था, उनका जो मतलब भाई परिश्रम था, वो फाइनली भाई रंग लाया और सफलता मिल चुकी है भारत को। कुछ भी कर सकता है, तो देखिए चांद पर भाई झंडा फहरा दिया है भारत ने, और बाकी बहुत खुशी है, मेरे को तो बहुत खुशी होती है। भारत माता की जय। दोस्तों मैं मिलता हूँ बाकी आपको अगली एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तेरे